में हम लोगों ने रिवीजन किया था, अभी हम लेसन नंबर 14 की एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हम ये देखेंगे कि हमने हैव हैज है वो कहां पर यूज किया है। तो हैव और हैज है हमने कहां पे यूज किया था, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हैव हम लोग कहां पर यूज करते हैं, आई वी यू एंड दे के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, हैव यूज करते हैं। Have I, you, we and they, I, you, we and they के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, have यूज करते हैं। और has कब यूज करते हैं, has हम लोग he, she, it, he, she और it के साथ हम क्या यूज करते हैं, has यूज करते हैं। एंड have किसके साथ यूज करते हैं, I, you, we and they के साथ have यूज करते हैं। एंड has he, she और it के साथ हम has यूज करते हैं। वैसे ही अब हमें एक्सरसाइज में कहां से हम चेक कर सकते हैं कि हम have वो यूज करते हैं और has है वो कहां पर यूज करते हैं। आपको नीचे फोकस एक्सरसाइज में फोकस दिया हुआ है, ये हमने पहले भी कंप्लीट कर ली है बट अभी हम इसका रिवीजन कर रहे हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको दिया है लुक एट द पिक्चर, लुक एट द पिक्चर एंड टेक द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको इसमें फर्स्ट नंबर में दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो वो दोनों के दोनों फर्स्ट हमें चेक करने हैं कि वो राइट है या रॉन्ग है। उसके साथ क्या यूज किया हुआ है, हैव और हैज यूज किया हुआ है। वन नंबर में आपको क्या दिया है, आई हैव अ वन पेंसिल, आई हैव वन पेंसिल। फिर ऐसे बॉक्स दिया है, नेक्स्ट सेंटेंस इसके नीचे ही दिया है सेकेंड नंबर का, आई हैज वन पेंसिल। तो फर्स्ट पहले हम इधर लिखेंगे हैव और हैज, ये आपको नहीं लिखना है, आपको एक्सरसाइज है वो रिवीजन करनी है। तो हैव हम किसके साथ यूज करते हैं, आई यू वी एंड दे के साथ यूज करते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको एक्सरसाइज जो दी हुई है, क्वेश्चन जो आपको टिक द करेक्ट आंसर करने हैं, आपको इजीली आप कर सको, इसलिए मैंने ये सिर्फ आपको देखने के लिए लिखा है कि आप आंसर बता सके। ओके, तो अभी आप चेक कर सकते हैं कि है और हैज मैंने इधर लिख दिए हैं। तो फर्स्ट नंबर में आई हैव वन पेंसिल एंड आई हैज वन पेंसिल, तो आप दोनों सेंटेंस चेक कर लिए, हैव दिया है और हैज दिया है, एक में हैव है और एक में हैज है। तो इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस है वो राइट है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेंटेंस है वो राइट है। तो हमने इधर हैव और हैज लिखा है, तो हैव के साथ आई यू वी एंड दे दिया हुआ है। तो आप चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट लाइन में आई हैव वन पेंसिल एंड सेकंड में दिया है आई हैज वन पेंसिल। तो हैज आप चेक करिए, हैज में कहीं पर भी आई दिया है तो नहीं दिया है। तो सेकंड सेंटेंस है वो क्या है, रॉन्ग है। एंड फर्स्ट सेंटेंस आई हैव वन पेंसिल, तो आई हैव के साथ आई यूज किया हुआ है तो हम कर सकते हैं, तो फर्स्ट सेंटेंस है वो राइट है। ओके, तो आपको इसे हैव और हैज चेक करते जाना है एंड फिर आपको जो
लिया हुआ है, चूज द करेक्ट, लुक एट द पिक्चर्स है वो कंप्लीट करने हैं। एंड सेकेंड नंबर में आपको दिया है दे हैव अ रेड कार। उसके नीचे दिया है सेकेंड सेंटेंस दे हैव अ रेड कार। अभी आपको बताना है कौन सा सेंटेंस है वो राइट है। दोनों में दे है, हैव, एक में हैज है, एक में हैव है, अ रेड कार एंड कार, दोनों सेंटेंस सेम है। इसमें क्या डिफरेंस है दोनों सेंटेंस में से? एक में आपको हैज दिया है और एक में आपको क्या दिया है, हैव दिया है। तो अभी आपको चेक करना है कि दे के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैज यूज करते हैं या हैव यूज करते हैं। तो दे के साथ आप चेक कर सकते हैं कि दे के साथ है, तो है के साथ हमने जो दे यूज किया है तो नहीं किया है। तो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, फर्स्ट सेंटेंस है वो रॉन्ग है। एंड सेकेंड दे हैव अ रेड कार, तो दे के साथ इधर चेक कर सकते हैं कि दे दिया है, दे उसके साथ क्या दिया है, हैव, हैव के साथ दे दिया हुआ है। तो हम चेक कर सकते हैं कि उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, हैव। तो फर्स्ट सेंटेंस है वो राइट है या रॉन्ग है, सेकंड सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है, यस, तो सेकंड सेंटेंस है वो राइट है। वैसे ही हम नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस करेंगे। तो स्टूडेंट आप लोगों को ऐसे ही चेक करते जाना है, हैव और हैज कहाँ पर यूज किया हुआ है और हमें कैसे यूज करके उसे लिखना है। अगर यूज किया हुआ है तो वो सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है वो आपको आइडेंटिफाई करना है एंड फिर टेक द करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, सेकेंड सेंटेंस है वो राइट है। फोर्थ नंबर,
story book. तो फोर्थ नंबर में चेक करिए कि शी के साथ क्या आता है, हैव आता है या हैज आता है। तो शी के साथ है वो हैज आता है। तो थर्ड नंबर फोर्थ नंबर में शी हैज अ स्टोरी बुक क्या दिया है, शी हैज अ स्टोरी बुक एंड शी हैव अ स्टोरी बुक। तो फोर्थ नंबर में फर्स्ट सेंटेंस में आपको इधर क्या दिया है एंड नेक्स्ट में दिया है, तो कौन सा सेंटेंस है वो राइट है। तो फर्स्ट सेंटेंस है वो राइट है एंड सेकंड सेंटेंस है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट है फाइव नंबर, फर्स्ट सेंटेंस है वो राइट है या रॉन्ग है। तो फर्स्ट सेंटेंस है वो
wrong है and second we have rice for lunch every day. तो second है वो right है. Amita have nine cricket bat. Next diya hai Amita. तो इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस है वो राइट है? तो अमिता हैव माय क्रिकेट बैट. तो फर्स्ट नंबर में आपको नेम दिया है अमिता हैव माय क्रिकेट बैट, तो वो सेंटेंस है वो रॉन्ग है. अमिता हैव माय क्रिकेट बैट, तो अमिता के पास मेरा क्रिकेट बैट है. तो अमिता हैव माय क्रिकेट बैट, उसके पास मेरा बैट है. तो सेकेंड आंसर सेकेंड क्वेश्चन है जो अमिता हैज माय क्रिकेट बैट वो सेंटेंस है वो राइट है. एंड फर्स्ट सेंटेंस हैव नेम के साथ हैव है वो यूज नहीं करते हैं. तो अमिता हैव माय क्रिकेट बैट है वो रॉन्ग है. एंड अमिता हैज माय क्रिकेट बैट तो ये सेंटेंस है वो राइट है. तो स्टूडेंट हम लोगों ने इधर फोकस एक्सरसाइज है वो सेकंड टाइम फिर से रिवीजन किया है उसका. तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कि हैव और हैज हमें कहाँ यूज करना है. लेसन नंबर 40 में टिक द करेक्ट आंसर वो एक्सरसाइज आपको होमवर्क में वन टाइम है वो रिपीट करनी है. तो टुडेज होमवर्क पेज नंबर 42 एंड 43 में जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है. क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है? लुक एट द पिक्चर वाला. लुक एट द पिक्चर एंड राइट एंड रॉन्ग. ये क्वेश्चन आंसर है आपको राइट वन टाइम राइट इन होमवर्क बुक. One time. ये होमवर्क है वो आपको वन टाइम करना है.
जिसकी एक्सरसाइज पेज नंबर 42 एंड 43 में दी हुई है, 7 सेंटेंस दिए हुए हैं वो। लुक एट द पिक्चर राइट फ्रॉम राइट इन होमवर्क बुक 1 टाइम। नाउ थैंक यू। We'll be right back.